Subscribe now to receive new updates every day. चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के इन पांच बॉलरों ने खींचा दुनिया का ध्यान। कहते हैं मैच गेंदबाज जितवाते हैं। अंतिम मैच को छोड़ दें तो भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, खास तौर पर जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने। लेकिन भारत के ट्रंप कार्ड कहे जाने वाले आर अश्विन इस पूरे टूर्नामेंट में असफल साबित हुए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवाना होने से पहले अश्विन ने कहा था कि उनके तरक्ष में कुछ नए तीर हैं जिन्हें वे चैंपियंस ट्रॉफी में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा कोई तीर दिखाई नहीं दिया। आइए नजर डालते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ भारतीय गेंदबाजों पर। जसप्रीत बुमराह। इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही यह उम्मीद की जा रही थी कि बुमराह को इंग्लैंड की पिचें बहुत मदद करेंगी। बुमराह ने इस उम्मीद पर खरे उतरते हुए शानदार गेंदबाजी की। भारत को फाइनल तक पहुंचाने में बुमराह का खासा योगदान है। उन्होंने चार मैचों में विकेट तो चार लिए हैं, लेकिन बल्लेबाज उनकी गेंदों पर खुलकर शॉट नहीं खेल पाए हैं। उन्होंने 4-3 रन प्रति ओवर ही खर्च किए हैं। यह शानदार इकोनॉमी रेट है। उनकी गेंदबाजी के सामने कोई भी टीम रन नहीं बना पाई है, किंतु अंतिम मैच में बुमराह ने खासी खराब गेंदबाजी की। उन्होंने 9 ओवरों में 68 रन दिए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। भुवनेश्वर कुमार। चैंपियंस ट्रॉफी में भुवनेश्वर पर भी सबकी निगाहें थीं। भुवनेश्वर लाइन और लेंथ पर गेंदें डालते हैं और बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। वह विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। उमेश यादव और बुमराह के साथ मिलकर उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अब तक शानदार गेंदबाजी की है। उन्होंने इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में 7 विकेट लिए। अंतिम मैच से पहले तक उनका रन देने का औसत 4-7 था, जो एक दिवसीय के लिहाज से बहुत अच्छा इकोनॉमी रेट है। अंतिम मैच में भी केवल भुवनेश्वर ने ही अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने 10 ओवरों में 2 मेडिन रखते हुए 44 रन देकर एक विकेट हासिल की। रविचंद्रन अश्विन। विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती 2 मैचों में आर अश्विन को नहीं खिलाया। उन्होंने अपनी पेस बैटरी उमेश यादव, भुवनेश्वर और बुमराह पर ही भरोसा किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अश्विन को मैदान में उतारा। इसके लिए उमेश यादव को बाहर बैठना पड़ा। अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट चटकाए। इसकी वजह से ही भारत को इस मैच में विजय मिली। बांग्लादेश के खिलाफ अश्विन को विकेट नहीं मिली, लेकिन टीम में उनका होना गेंदबाजों का मनोबल लगातार बढ़ाता रहा। किंतु अंतिम मैच में अश्विन ने बेहद खराब गेंदबाजी की। उन्होंने 10 ओवरों में 70 रन दिए और कोई विकेट उन्हें नहीं मिला। उमेश यादव। उमेश यादव एक बेहतरीन गेंदबाज हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी। उन्होंने 7-4 ओवरों में 1 मेडिन रखते हुए महज 30 रन देकर 3 विकेट लिए, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। इसके बाद किसी मैच में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। कप्तान विराट कोहली ने उनकी जगह आर अश्विन को खिलाया। अंतिम मैच में भी आलोचक यही कह रहे हैं कि यदि अश्विन या रविंद्र जडेजा की जगह उमेश यादव खेल रहे होते तो हालात कुछ और होते। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम में एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में उनका अहम योगदान रहा था, लेकिन इस बार उनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छी नहीं रही। हालांकि उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 3 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान के साथ खेले गए पहले ही मैच में जडेजा ने 8 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। श्रीलंका के खिलाफ उनकी गेंदबाजी बेहद खराब रही। उन्होंने 6 ओवरों में 52 रन खर्च कर दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 10 ओवरों में 39 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, लेकिन टूर्नामेंट के अंतिम मैच में उनकी गेंदबाजी बेहद खराब रही। उन्होंने 8 ओवरों में 67 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.